हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज। डन। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अपने को यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई है, उनकी अपने को क्वालिटीज बतानी है, स्पेशल क्वालिटीज बतानी है। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट की पिक्चर आपको यहाँ पे दी हुई है। ओके, इन द टेबल गिवन, यहाँ पे आपको टेबल में उनकी पिक्चर्स दी हुई है। नाउ यू कैन सी नाउ फर्स्ट इज लिविंग बींग्स। इनके अपने को नेम दिए हुए हैं कि कौन कौन से लिविंग बींग्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स के बारे में अपने को बताना है। ओके, एंड वे ऑफ फीडिंग, इनका फीड करने का जो वे है, किस तरीके से ये अपना फूड है वो कंज्यूम करते हैं वो आपको बताना है। मूव एंड स्विम फ्लाई। ठीक है, ये मूव करते हैं, स्विम करते हैं या फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। डन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड। ठीक है, बर्ड क्या करता है, उसको फीड करने का जो वे होता है वो क्या होता है, पिकिंग एंड मूव स्विम एंड फ्लाई। ये क्या करता है, ये फ्लाई करता है। ओके, नेक्स्ट वन फायर फ्लाई। ये जो जुगनू है, फायर फ्लाई है, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी शकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी। ठीक है, जो बटरफ्लाई करती है वही ये करता है। तो यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, आप इसको फील कर लोगे, शकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी। और ये भी क्या करता है, फ्लाई करता है, फ्लावर्स की जो हनी होती है उसको ये सक करता है। नेक्स्ट वन फिश। फिश क्या करती है, स्वेलो। ओके, एंड इट स्विम, और ये क्या करती है, स्विम करती है। नेक्स्ट वन इज पिकॉक। पिकॉक क्या करता है, पिकिंग। ठीक है, ये पिकिंग करके पिक करता है, ठीक है, फूड को क्या करता है, पिक करके फिर ईट करता है, एंड इट्स ऑल्सो फ्लाई। नेक्स्ट वन इज लीजार्ड। लीजार्ड क्या करते हैं, इज ऑल्सो स्वेलो एंड वॉक। ये भी क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं और वॉक करते हैं। बटरफ्लाई, ये क्या करते हैं, सकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी। ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लावर की जो हनी होती है उसको सक करते हैं। डन। एंड इट्स ऑल्सो फ्लाई। मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, बाइट करता है एंड फ्लाई। एज वी नो दैट मॉस्किटो इज ऑल्सो फ्लाई। नेक्स्ट वन इज डॉग। डॉग ऑल्सो बाइट एंड हिज वॉक। ये क्या करता है, वॉक करता है। डन। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई है, आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स एंड राइट डाउन वन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनका अपने को क्या करना है, यूनिक कैरेक्टर बताना है, फीचर ऑफ ईच वन ऑफ देम इन योर नोटबुक। ठीक है, अपनी नोटबुक में आपको इन सबका स्पेशल कैरेक्टर आपको बताना है। डन। नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ दीज एनिमल्स। एज वी नो दैट जो रैबिट है वो क्या करता है, फास्ट रन करता है, एंड एलिफेंट अपन जानते हैं कि ये क्या लार्जेस्ट एनिमल है, एंड फिश कैन स्विम, एंड पैरट ऑल्सो हैव स्पेशल क्वालिटीज। नाउ यू कैन सी हियर रैबिट क्या करता है, रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से ये दौड़ते हैं। एंड एलिफेंट बिगेस्ट एनिमल हो गया। स्पेरो क्या करती है, कैन फ्लाई। स्पेरो फ्लाई करते हैं, ठीक है, या पैरट और स्पेरो, जो पैरट है उसी की स्पेशल क्वालिटी क्या है, फ्लाई करते हैं। एंड फिश कैन स्विम इन वाटर। फिश क्या करती है, वाटर में स्विम कर सकती है। अंडरस्टैंड। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए बेट फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जो बेट है वो नाइट में भी कैसे फ्लाई कर सकती है, विदाउट कॉलिडिंग विद एनी थिंग, बिना किसी चीज के टकराए। ओके, नाउ यू कैन सी हियर व्हेन ए बेट फ्लाइज, जब बेट वो फ्लाई करती है एट नाइट टाइम, जब नाइट में बेट फ्लाई करती है, इट प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जब ये नाइट में क्या करती है, फ्लाई करती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड वो प्रोड्यूस करती है, विच रिफ्लेक्ट्स बैक, और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये उस चीज को टकरा के फिर वापस बैट के पास आता है। व्हेन इट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट, जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करता है, इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, तो जो जो बैट है उसके सामने वापस आ जाता है ये साउंड। ठीक है, फॉलोइंग द इको, और इसी गूंज को फॉलो करते हुए ए बैट कैन फ्लाई वेरी इजीली। ठीक है, जो बैट है वो वेरी इजीली फ्लाई कर सकती है,
इन द डार्क, डार्क में भी फ्लाई कर सकती है. अंडरस्टैंड? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस. एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे. देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वर्क, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय. अपने को लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें क्या होता है, वर्क परफॉर्म किया जाता है बाय आर्ट्स. आर्ट्स क्या करती है, अपने को पता है डिफरेंट टाइप की आर्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं. डन. तो जो वर्क, जो आर्ट्स है जिस टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इनको इनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ओके. एंड नेम देम ऑन द नेचर, और उनका नेचर कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इनका नेम नोट करना है ऑफ देयर वर्क. इनका जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग इनका अपने को नेम है वो नोट करना है. ओके. नाउ वर्क डन बाय आर्ट्स, जो आर्ट्स है वो कौन कौन सा वर्क करती है वो अपने को यहाँ पे नोट करना है, और जो इस बेसिस पे कौन से आर्ट्स को अपन क्या कहेंगे ये अपने को बताना है. देन टू ले एग्स, एग्स देने का जो काम करती है वो कौन करती है, क्वीन आर्ट्स. टू टेक केयर ऑफ द एग्स, एग्स की केयर कौन करता है, वर्कर आर्ट्स. टू प्रोटेक्ट एग्स, और एग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, हाउ सिक्योरिटी कौन करता है, तो उन आर्ट्स को अपन क्या कहेंगे, सॉल्जर आर्ट्स. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड. देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ आर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ठीक है. इनके वर्क के बेसिस पे थ्री टाइप्स के आर्ट अपने पास है. क्वीन आर्ट है जो क्या करती है, एग्स देने का वर्क करती है. वर्कर आर्ट क्या करती है, टेक केयर करती है एग्स की. एंड सोल्जर आर्ट प्रोटेक्ट एग्स एंड हाउस सिक्योरिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू स्मेल. इनमें से कौन सी थिंग आप स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो. वाटर में तो स्मेल नहीं आती, ठीक है, एयर में भी नहीं होती है, सन में भी नहीं होती है, तो जो फ्लोवर होता है उसको स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पजेस आईज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. इनमें से ऐसी कौन सी आईज हैं जो ह्यूमन बींग्स से डिफरेंट होती है. देन हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ठीक है. जो हाउस फ्लाई है और मॉस्किटो है, इन दोनों की आईज क्या होती है, ह्यूमन बींग से डिफरेंट होती है. सो बोथ ए एंड बी, इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, गिव वन रीजन व्हाई शुड वी अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स. अपने को क्या करना है, वन रीजन बताना है, ऐसा कोई भी वन रीजन बताना है जिससे अपन क्या करते हैं, अपने को पता है अपना फूड तो अपन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स, कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है. तो इस टाइप के जो भी अपने एनिमल्स हैं उनके लिए अपन फूड प्रिपेयर करते हैं, तो अपन उनके लिए फूड प्रिपेयर क्यों करते हैं, इनका एक रीजन आपको बताना है. डन. वी अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स. अदर लिविंग बींग्स के लिए अपन क्या करते हैं, फूड अरेंज करते हैं, बिकॉज दे कांट मेक देयर ऑन फूड. वो अपना फूड है वो खुद नहीं बना सकते. ओके. ये रीजन होता है, और अपने को इसका एक रीजन ये भी है कि अपन किसी न किसी तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है. तो वो अपने लिए किसी न किसी तरीके से यूजफुल होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, विच एनिमल हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका स्मेल करने का जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है. देन डॉग. ओके. हु फ्लाइज इन द नाइट यूजिंग इको लोकेशन, ठीक है. इको लोकेशन यूज करके ट्विंस अपना साउंड वो प्रोड्यूस करके कौन सा एनिमल है जो नाइट में भी इजीली फ्लाई कर सकता है. देन दिस इज बेट. सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. एक्सरसाइज ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. So thank you.